सो दृष्टि की मसाज हो चुकी है, अब हम गर्म पानी से मस्त मस्त नहाई नहाई करेंगे। ओके दृष्टि, आज दृष्टि की अज्जी नहीं आई ना, मालिश वाली अज्जी, आज मम्मा ने मालिश किया है, मम्मा नहाई नहाई करेगी। चलो तो मैंने दाल चढ़ाया था, पता नहीं कैसे पूरा तो धुआं सारा एयर तो बाहर ही आ रहा है, पता नहीं दाल पक रहा होगा या नहीं पक रहा होगा। और यहाँ पे दृष्टि का पानी गर्म करने रखा है, तो मैं चेक कर लेती हूँ पानी गर्म हुआ या नहीं। यस, पानी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम दृष्टि को निलाते हैं, तब तक ये दाल को तो टाइम ही लगेगा अभी पकने। A few moments later. So, दृष्टि को मम्मा ने निला दिया है, अब दृष्टि थोड़ी देर दूध पी के सो जाएगी। ठीक है, आज मम्मा ने नहाने के ला दिया। और भूखू लग गए। ये है मैगी। सो हमारा रुद्राक्ष तो ये देखो नहा धो के रेडी हो गया, पूजा भी कर लिया। दिखाओ रुद्राक्ष कैसे दिख रहे हो, इधर खड़े रहो ऐसे। यस मेरा टी-शर्ट और बड़ा जींस। देखो गाइस मैंने क्या पहना है, बड़ा जींस और शर्ट। यस, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब रुद्राक्ष को खाना है मैगी, तो उसके लिए मैगी बना देते हैं। ले चलो टमाटर। सो यहाँ पे रुद्राक्ष खा रहा है मैगी। कैसा बना है? अच्छा बना है। ओम नमः शिवाय। ये क्या है, खा लो खा लो खा लो। अरे देखा, ये मैगी खाने के साइड इफेक्ट्स ऐसे हो जाते बच्चे, इसलिए मैगी नहीं खाना चाहिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? हाँ ऐसे करते फिर बच्चे। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो। हेलो एवरीवन, ये देखिए रुद्राक्ष क्या कर रहा है, स्टार हार्ट कैंडी खा रहा है। कैंडी कलरफुल्स, येलो ग्रीन ब्लू पिंक, वाव कितना अच्छा लग रहा है। हार्ट भी है। ओके देखो गाइस दिखाओ, ब्लू कलर का हार्ट, इतना नजदीक नहीं, हाँ ऐसे दिखाओ। हाँ ब्लू कलर का हार्ट, तेरे दिल का पता लगा लूं। ओके। 3 hours later. सो यहाँ पे मेरी पूजा की थाली भी रेडी हो चुकी है, आप सब लोग देख सकते हो। इस बार मैंने इंस्टाग्राम में देखकर पूजा की थाली रेडी की है, उसे फॉलो किया है। तो देखिए क्या क्या है इसमें। ये है मसूर दाल, रेड मसूर दाल, साथ में हरी मूंग की दाल, और ये है चावल, और उसके बगल में है उड़द दाल जो काली उड़द दाल होती है वो, और चीनी। यस वो वाइट थाल में दिख नहीं रही है, चीनी है। और यहाँ पे इस कलश में मैंने लिया हुआ है दूध, और उसमें थोड़ा जल पानी मिक्स किया हुआ है। सो आजकल आप लोगों ने देखा इंस्टाग्राम पे काफ़ी चीज़ें बताई जा रही है कि हमें शिवलिंग पे क्या चढ़ाना चाहिए अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, जो आपके लाइफ के कष्ट दूर कर सके। तो मैंने उसी चीज़ को फॉलो करते हुए अपनी थाल रेडी की है। और ये है साथ धतूरा, और फूल है, बेलपत्र है, और उसके बगल में ये कटोरी में राई का तेल है, और यहाँ पे मैंने दिया भी रेडी किया है, अगरबत्ती है वो वहीं पे हम जलाएंगे पूजा करते समय। सो साथ में ये रुद्राक्ष का मैंने अलग से रेडी कर दिया था ताकि वो दूध चढ़ाए अपनी तरफ से। सो रुद्राक्ष के दूध में चीनी भी है और जल भी है, जो मिक्स करके मैंने उसका जो अभिषेक वो करेगा वो ग्लास रेडी किया है। सो अब चलते हैं मंदिर की तरफ।
क्या है रुद्राक्ष तुम्हारे हाथ में? दे दो। भगवान जी को चढ़ाना है ना, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सो लगभग 6:30 के करीब हम मंदिर आए थे और अभी भी काफ़ी रश है यहाँ पे, बट अगर मॉर्निंग में आना होता तो शायद बहुत ज़्यादा ही रश मिलती, बट ठीक है कोई बात नहीं, हमें आराम से पूजा करने यहाँ पे मिल गया था। सो आप देख सकते हैं, ये देखिए रुद्राक्ष कितने प्यार से वो भी पूजा कर रहा है पूरी श्रद्धा के साथ। उसने अपने लिए अलग ही ग्लास रेडी किया था कि मैं शिवलिंग पे यही दूध चढ़ाऊँगा। बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है गाइस, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि रुद्राक्ष को इन सारी चीज़ों पर मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, उसके अंदर खुद ही वो भक्ति, वो भाव वो उसके अंदर ऑलरेडी है। उसे पूजा करना, मंत्र पढ़ना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मेरे साथ घर पे भी पूजा करता है और आप देख लीजिए वो खुद वो यहाँ मेरे साथ आया है और यहाँ पे वो पूजा कर रहा है किस श्रद्धा के साथ, जो जो मैं उसे बता रही हूँ उस चीज़ों को वो फॉलो कर रहा है। सो मुझे तो बड़ी खुशी होती है ये सब देख कर। Okay.
विश भी नहीं किया तो अब करती हूँ। रुद्राक्ष की तरफ से और मेरी तरफ से और रेणु ब्लॉग की तरफ से आप सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। सो शिव जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें, हम सब पे कृपा बनाए रखें, आप पे भी कृपा बनाए रखें। तो अब चलते हैं हम घर में।